दोस्तों यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को 15 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। राणा कपूर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। राणा कपूर, पत्नी बिंदु और 3 बेटियां राखी कपूर टंडन, रोशनी कपूर, राधा कपूर भी कथित रूप से कुछ कंपनियों के साथ जुड़ी हैं, जिन्हें संदिग्ध रूप से कुछ रकम भेजी गई है। राणा कपूर की एक बेटी तो आईपीएल में मिस्ट्री गर्ल के नाम से भी काफी पॉपुलर हुई थी। उनकी इस बेटी का उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ था, लेकिन अब वही बेटी प्रवर्तन निदेशालय की जांच के घेरे में आती है। 2015 में हुए आईपीएल फाइनल मैच खत्म होने के बाद एक चेहरा बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया था। वो चेहरा था राखी कपूर टंडन का। यस बैंक के सीईओ राणा कपूर की बेटी राखी मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नजर आई थी। इसके बाद वो ट्विटर और फेसबुक समेत तमाम सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से छा गई थी। आलम यह था कि उस वक्त ट्विटर और फेसबुक पर आईपीएल के साथ साथ राखी कपूर टंडन खुद भी लगातार ट्रेंड करती रही। खूबसूरत और अमीर होने के बाद भी मीडिया की नजरों से बची हुई थी राखी कपूर टंडन, लेकिन इस बार आईपीएल फाइनल मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में वो ट्विटर पर छा गईं। जिन्होंने भी राखी को मुंबई इंडियन की जर्सी में देखा, सबको खूब जिज्ञासा हुई थी। सभी ने फेसबुक और ट्विटर पर उनके बारे में जानने की कोशिश की थी। राखी कपूर टंडन यस बैंक के सीईओ राणा कपूर की दूसरी बेटी हैं। कहा जाता है कि राखी कपूर टंडन यस बैंक की ब्रांड मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी भी खुद ही देखती हैं। राखी ने दिल्ली के बिजनेसमैन अल्केश टंडन से शादी की है, जिनका स्टील बैरन लक्ष्मी मित्तल से पारिवारिक संबंध है। उन्होंने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बैंकर की भी नौकरी की है। तब आईपीएल पार्टीज के नाम पर मैच के बाद हुई पार्टी में राखी मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी किरण पोलार्ड के साथ नजर आई थी। दोस्तों को बता दें कि राखी टंडन ने वॉर्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से एमबीए की पढ़ाई भी की है। वो ग्रेजुएशन की उन 3 छात्राओं में से एक थी जिन्हें सीधे एमबीए के लिए चुना गया था। उनका अपना खुद का एक बिजनेस है, रूरल एग्री वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बताया जाता है कि पिता के यस बैंक में सीईओ होने की वजह से वो वैसे भी वहाँ पर उत्तराधिकारी जैसी ही थी, लेकिन फिर भी वो खुद का बिजनेस करना पसंद करती हैं, जिसमें यस बैंक के कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिटेल तक के सफर में उनकी अहम भूमिका बताई जाती है। 2013 में उनकी शादी में लक्ष्मी मित्तल और बोरिस बेकर के साथ नीता और टीना अंबानी जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। राखी और अल्केश इंग्लैंड में छुट्टियों के दौरान मिले थे, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस के बाद जैसे ही राणा कपूर को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ हो रही है, उसके बाद उनकी बेटियों की भी कुंडली एक एक कर सामने आने लगी है। बहरहाल दोस्तों, आपको कैसी लगी रिपोर्ट आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर